आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है, और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी, किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात में दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। सर, सरफराज की बहन का कहना यह है कि कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज एनकाउंटर दिखाया, कल गिरफ्तारी करी और आज एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर करने के लिए डायल 100 से लेकर के और सुविधाएं दी, कई कार्यालय इन पुलिस के पास नहीं थे वो कार्यालय दिए, कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए सरकार ने। लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी, बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे। और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अखबार में निकला था, इसी प्रदेश के, इसी सरकार के सबसे पहले DGP, उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज इनकाउंटर कर रही है, कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। जो इनकी सरकार के पहले DGP हों, वो इन पर सवाल खड़ा कर रहे हों कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे सुनने में यहाँ तक आया है, आप बेहतर बताना इस बात को, कि जिस व्यक्ति ने पहला वीडियो वायरल किया उस प्रोसेशन का, उस पत्रकार के हाथ या पैर में बहुत चोटें आई, उसमें BJP के लोगों ने उसे बहुत मारा है। अगर BJP के लोग पत्रकार को मार रहे हैं, या BJP के लोग पत्रकार को जेल भिजवा रहे झूठे मुकदमे में, तो समझ लीजिए क्या छिपा रहे हैं, कुछ तो छिपा रहे ना। भैया आगे भाई, माना करो मुरे जी आगे भैया भैया जी भैया, क्योंकि कल कार्यक्रम है, मैं नहीं उपस्थित रह पाऊंगा, मुझे बाहर जाना है, इसलिए आज ही पूरे परिवार के सदस्यों में मिलकर तीन लोग, पांच लोग कुल गिरफ्तार हुए, दो का हाफ एनकाउंटर किया है, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं, और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है, इनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले NDTV थोड़ा सा नीचे कर, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था, कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया, या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते, ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पर सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है, तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया।
तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, कहाँ की ये व्यवस्था है जहाँ पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं भाई? नीचे करिए। और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। नेताजी क्या मंगेश क्या चाहेंगे? अभी सर परिवार की बहन जो अभी जल्दी उसकी शादी होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है और लाइसेंस ही बंद हो गया। क्या कहेंगे परिवार के तरफ? जो घटना हुई दुखद हुई, जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहां पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और पड़ोसी जिले का मामला है। अरे मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम? अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो दो घंटे वक्त गुजारा हो उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक एनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या? ये अगले जी 2027 में अगर आपकी सरकार आती तो किस तरह का बदलाव लाना होगा? देखिए मुझे बताना नहीं है, जो समाजवादियों ने काम किए उससे बेहतर काम करके जनता को सुविधा देने का काम करेंगे। 2027 में कानून व्यवस्था किस तरह से बदलाव उसके बदलाव ये आप मुझसे बेहतर जो पुलिस के अधिकारी खड़े हैं उनसे चुपचाप पूछ लेना। और आप नाम डिस्क्लोज मत करना। और ये पूछना कि किस सरकार में पुलिस के लिए काम अच्छे हुए। अखिलेश जी बिहार में शराबबंदी के बावजूद 32 लोग शराब पीकर मर गए। योगी जी से क्यों नहीं पूछने जा रहे हो शराब कैसे जा रही है बिहार में? अगर बिहार में शराब जा रही हो, हमारा पत्रकार साथी कह रहा है यूपी से जा रही है, तो कल मुख्यमंत्री जी को पता होगा कैसे जा रही है। और अब तो बीजेपी के समर्थन की सरकारें दोनों तरफ है। बिहार में बीजेपी के समर्थन की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो बॉन्डिंग अच्छी चल रही होगी, इसी वजह शराब पहुंच रही है वहां पर। क्या सोलंकी जी की पत्नी को टिकट आपके पार्टी ने दिया है, क्या उसको आप लोग जिता पाएंगे? अगर आपको और कोई सुझाव देना हो तो बता दो। ठीक है सर, ठीक है। वो जीतेंगी, अच्छे वोटों से जीतेंगी। उन्हें भी झूठा फंसाया इसलिए कि वो मुस्लिम विधायक।